ಸದಲಗಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡದಿಂದ ಇಂದು ದೂದ್ಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬೋಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನದಿ ದಡ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅವರ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಡಾರ್ಮಡ್ಡಿ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಐಸಿಬಿ ವಾರ್ತೆಗಾಗಿ ಸದಲಗಾದಿಂದ ಕೈಲಾಶ ಮಾಳಗೆ. वालों को भी सारा निर्देश दिया है कि अगर कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है तो पहले से बनाया हुआ रिहेबिलिटेशन सेंटर उनको पता है, वहाँ जाकर के अपना वो रिस्क कर सकते हैं. और ऐसी आपातकालीन स्थिति आने पर हम पूरी तरह से अपनी टीम के साथ रेस्क्यू करने के लिए तैयार हैं. आज हमने एक ड्राई प्रैक्टिस के तौर पर, सर्वे के तौर पर हमने किया है ताकि किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति आने पर हम गाँव वाले और गाँव वाले की जो भी संपत्ति है, गाय वगैरह जो भी है, उनको किसी रेस्क्यू कर सकें. तो हमारा संदेश गाँव वालों को यही रहेगा कि आप पानी का जो भी लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है उसको भागते हुए जो भी लोकल प्रशासन द्वारा बनाए गए जो जाइए और इस प्रकार का इंतजार ना चल रहा होगा. पानी का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है. अगला 7 दिन तक मौसम का ऐसा फोरकास्ट है कि बारिश और अभी बढ़ेगा. तो आप लोग पहले से जानते हैं कि इस एरिया में बरसात में आने से क्या क्या हालत, कैसा सिचुएशन रहता है. प्रशासन के द्वारा भी नज़दीक में रिहैबिलिटेशन सेंटर बना हुआ है जहां बाढ़ की स्थिति में आने पर हमारे एनडीआरएफ टीम द्वारा पहले भी रेस्क्यू आप लोगों को सुरक्षित स्थान पर लेके हुआ है. और इस बार भी हम पूरी तरह से तत्पर है, रेडी है कि ऐसा कोई आपात